नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट में जो मोमेंटम रहा, क्या डेटा बेसिस हमने कैच किया और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में लाइव मार्केट में बात किया नहीं, डेटा कैसे हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट में क्या मोमेंटम रहेगा, ये सारी चीजें हम अपनी वीडियो में बात करते हैं, अपने चैनल में बात करते हैं और डेटा बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं और हमारी एक्यूरेसी आपको 80-90% है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार डेटा बेसिस देखते हैं, फिर हम आपको इनमें आपको टेलीग्राम चैनल भी दिखाएंगे जहां पे कि लाइव मार्केट में बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वो पोजीशन हमें पूरा पता चल जाता है। चलिए एक बार देर नहीं करते हैं, डेटा बेसिस में आपको लेकर चलते हैं कि आज पोजीशन क्या बनाया गया। ओवरऑल आप देखें कि आज जो हमारे क्लाइंट ने 10,500 क्वांटिटी लॉन्ग किया है, 12,500 क्वांटिटी शॉर्ट किया है। कुछ क्लाइंट को, कुछ रिटेल ट्रेडर को लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर में मार्केट उनका ऊपर जाएगा और कुछ को शॉर्ट लगता है कि नीचे जाएगा। ओवरऑल बेसिस पे क्या है, इनका शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा ज्यादा है 2,500 क्वांटिटी, लेकिन नेट बेसिस पे आप देखें तो इनकी पोजीशन अभी भी क्या है 1,300 क्वांटिटी, यानी ये पूरे फुली लॉन्ग है। यहाँ पे ये लॉन्ग ही है, इनका पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट नहीं है। इनका ओवरऑल पैसा आज जो है स्लाइटली थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाने लगा है, लेकिन ओवरऑल इनका पैसा ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो ये डेटा बुलिश के आधार पर हमारे जो क्लाइंट है वो रिटेल ट्रेडर है, वो मार्केट में बुलिश है। एफआईआई की बात करते हैं, एफआईआई ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, जो आपको देखिए शॉर्ट किए थे, इनके ऊपर के शॉर्ट थी तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट किया, स्लाइटली लॉन्ग किया है। ओवरऑल इनका 84,000 से 72,000 यानी 12,000 क्वांटिटी इन्होंने आज क्या है क्लोज कर दिया, जिसमें से 8,800 इन्होंने क्लोज किया है, 3,700 इन्होंने लॉन्ग किया है। तो स्लाइटली ये यहां से अपना पोजिशन बुक कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी पोजिशन अभी बेरिस है। प्रो ने क्या किया है कि प्रो आज एक शॉर्ट इनिशिएट किए, फ्रेश शॉर्ट बना है 7,000 क्वांटिटी का और लॉन्ग थोड़ा सा क्लोज किए, तो 5,000 से 13,000 इनका क्या है शॉर्ट पोजीशन हो गया। यानी ओवरऑल प्रो का पैसा आज जो है मार्केट में नीचे लाने लगा है, हमारे एफआईआई ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है और यहाँ पर एज यूजुअल डीआई शॉर्ट करके बैठे हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में 2,300 क्वांटिटी और शॉर्ट किया, 18,000 क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे अगर डेटा की बात करें तो हमारा जो बड़े प्लेयर हैं वो तीनों भी स्लाइटली बेयरिश हैं, मार्केट में थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा ताकि क्लाइंट हमारे क्या है वो बुलिश हो जाए। और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्लोज नहीं किया गया, बहुत कम पोजीशन क्लोज किया है। यहाँ पे देखें इनकी 14,000 और 40,000 ये जो शॉर्ट बना है, मात्र 8,800 ही क्लोज किया गया। तो चलिए एक बार ऑप्शंस का देखें, यहाँ पे हमारे जो राइटिंग किए थे किसने, हमारे क्लाइंट ने 42,000 इनकी राइटिंग थी, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो ये और राइटिंग कर रहे थे 51,000, ये 94,000 इनका राइटिंग हो गया। यानी यहाँ पे इनका पैसा मार्केट में नीचे ले जाने में लगा है पुट की तरफ, लेकिन ये जब मार्केट ऊपर इन्होंने जब गया तो ये एक अच्छा खासा आज प्रॉफिट कमाया है हमारा किसने, क्लाइंट ने। ये देखिए जो भी पुट की राइटिंग किए थे उन्होंने अपना पोजीशन क्लोज कर लिया 1,93,000, तो पुट आज जो भी हमारे क्लाइंट हैं यहाँ पे आज चलाके किए हैं, इन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट में आज अपना पुट राइटिंग की पोजीशन क्लोज की है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन उनको एक ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप डेटा बेसिस से बात करें तो प्रो ने आज क्या, सॉरी क्लाइंट ने 51,000 की राइटिंग की है, किसकी, कॉल की, और पुट क्लोज कर दिया है, यानी इनकी पुट की राइटिंग क्लोज किया है। यहाँ पे इनकी ऑप्शन में जो मनी फ्लो वो बेरिश हो गया है, यानी इन्होंने कॉल की राइटिंग किया है, पुट क्लोज कर दिया है पूरा। और एफआईआई की बात करें तो एफआईआई 42,000 इन्होंने आज कॉल की बाइंग की है, 42,000 जो है पुट की जो है थोड़ा सा बाइंग था वो क्लोज कर दिए हैं। तो ओवरऑल इनका पोजीशन यहाँ पे देखें हाइज हो गया 1,43,000 और 1,84,000 इनका, दोनों तरफ कॉल और पुट की तरफ दोनों तरफ बाइंग हो गया, लेकिन ये एक फ्यूचर में अच्छा खासा जो है राइट करके बैठेंगे। तो डेटा बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ जो एफआईआई है वो बेरिश है। अब हम प्रो देखते हैं, प्रो ने आज कॉल में कुछ नहीं किया, लगभग 69,000 से मार्केट ऊपर जा रहा था सॉरी दोस्तों माफ करिएगा, तो ये क्या किया कि इन्होंने आज कॉल में कुछ नहीं इनिशिएट किया है, लगभग 9,300 ही अपना पोजीशन क्लोज किया है, 60,000 अभी भी इनका पोजीशन है। ये पुट एक अच्छा खासा राइटिंग किया है, जो हम लाइव मार्केट में भी बता रहे थे कि 17,500 17,600 के पास प्रो एक अच्छा खासा राइटिंग कर रहे हैं। मैं आपको ये चीजें अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं यहाँ कि हमने ये कैसे पकड़ा। ये देखिए यहाँ पे 174 ये जो क्लोज किए हैं और तो पोजीशन इन्होंने क्लोज कर लिया है, लेकिन इनकी राइटिंग यहाँ पे दिख रही है। और सेम चीजें मैंने यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने बताया था कि यहाँ पे जो प्रो है वो अपना पोजीशन क्या कर रहे हैं, आपको राइट करना है ऊपर में जो है। देखिए यहाँ पे मैंने लगभग 12:45 को मैसेज किया था कि 17,650 प्रो पुट राइटिंग डन बाय प्रोप। यहाँ पे देखिए यहाँ पहले हमें पता चल गया था, हम जो भी अपने पास सॉफ्टवेयर है जो हम ऑटोमेट किए हैं उस सॉफ्टवेयर के आधार पे पता चल गया था कि प्रो राइटिंग कर रहे हैं। और हमने एक अच्छा खासा आज जो है टेलीग्राम चैनल पर कॉल पकड़ा था, 17,600 हमने बताया था मैक्सिमम डाउन,
आपको 17,618 के ऊपर आया और वहां से बाउंस बैक करके 680 तक ये गया था मैक्सिमम डाउन साइड, फिर हमने 630, 620 और देन बाउंस बैक, सेम टारगेट हमारा रहा है। टारगेट दोनों आज जो है आपको सारे एक्यूरेसी लगभग 100% रहा मार्केट का। मार्केट टच 660, टच 675 मैंने बताया, उसके बाद फिर बुक पोजीशन, यहाँ पे मैंने पोजीशन बुक कराया। तो ये सब सारी चीजें आप हमारे जो है लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, हमारे जो एक क्लासेस हैं इसमें मैं पूरा फुल ऑटोमेट एक्सेल शीट, फुल ऑटोमेट वहां पर पूरे जितने सॉफ्टवेयर बनाना हम सिखाते हैं। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो भी बताया कि पूरी राइटिंग की है, ये हमें पहले पता चल जाता है कि बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये राइटिंग हमने पहले यहाँ पे पता चल गया था हमको। तो ओवरऑल डेटा बेसिस पे यहाँ पे प्रो उनकी पोजीशन क्या है, बुलिश है, प्रो की पोजीशन बुलिश है। मार्केट कल थोड़ा सा आपको ऊपर ही रहेगा, मार्केट ऊपर इसलिए रहेगा कि यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट ने क्या किया है कि वो कॉल की राइटिंग किया है और प्रो ने पुट की राइटिंग किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे पुट की राइटिंग ज्यादा किया गया है हमारे प्रो द्वारा, तो डेटा हमें यहाँ से बुलिश इंडिकेट कर रहा है प्रो का। तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर रखा जाए, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे लाया जाए। तो चलिए एक बार हम ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बना है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखें प्रो की जो राइटिंग है, ये एक अच्छा खासा राइटिंग के द्वारा दिखा रहा है। प्रो ने एक ठीक ठाक राइटिंग की, हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में यहाँ पे जो डेटा आप बिल में देखा है ये प्रो की राइटिंग है। तो स्ट्रेंथ भी हमें शो कर रहा है, वो ये कर रहा है कि आपको मार्केट 39,700 से 40,000 के बीच रहेगा बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी में, अभी तक कल के लिए। चलिए एक बार हम आपको लगभग एटीएम के पास देखते हैं। तो एटीएम में देखिए यहाँ पे जो ही है इन द मनी कॉल की तरफ पोजीशन क्लोज हो गया है, पुट की तरफ कोई भी इन द मनी पोजीशन क्लोज नहीं आया। 39,000 पे अच्छा सा राइटिंग हुआ है, 39,600, 39,800 पे। तो ये पूरे बड़े बड़े जो पोजीशन है यहाँ पे बने हैं, ये आपको 39,800 पे कॉल राइटिंग हुआ है। तो 39,800 आपको कवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी सेम है। तो कल लाइव मार्केट में देखना होगा कि क्या होता है, अगर मार्केट आपको 39,850-860 के ऊपर चला जाएगा तो फिर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे ये बहुत हैवी पोजीशन बना के रखे हैं। अब देखिए 3,35,000 का पोजीशन है, वहां कॉल के साइड सिर्फ 187 है। तो पुट की तरफ डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है कि पुट जो राइटर है प्रो द्वारा किया गया है वो बुलिश है। एक बार हम निफ्टी भी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या पोजीशन बना है। ओवरऑल देखिए दोस्तों, डेटा के बेसिस पे आपको मार्केट का पूरा रेफरेंस मिल जाता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर क्या चाहते हैं, तो आप उस पे 100% प्रॉफिटेबल होंगे। इसलिए आप डेटा को इग्नोर मत करिए, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको डेटा को इग्नोर करके आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। बड़े प्लेयर कभी भी अपना डेटा बताते नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि डेटा वर्क नहीं करता, लेकिन डेटा परफेक्ट वर्क करता है। मार्केट देखिए आपको 17,700 ऊपर ही के लेवल में आपको टच करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हमारा 3.1 का रेशियो है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर रहना। 3,44,000 यहाँ पे आपको पुट की तरफ राइटिंग किया गया है, कॉल 1,05,000 है और ये इन द मनी पोजीशन पूरा क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो भी राइटिंग किया है, यहाँ पे देखिए 17,600 पे ये प्रो द्वारा राइटिंग किया है, ये पूरे 17,500 पे भी प्रो द्वारा राइटिंग किया है। तो ये डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि प्रो एक अच्छा खासा पुट की राइटिंग करके बैठे हैं। कल ये क्या करेंगे, कॉल की राइटिंग करेंगे, इनके पास कॉल की राइटिंग कम है और मार्केट में फिर क्या स्टेबल रखेंगे और फिर प्रीमियम खाएंगे। तो ये कल हमें डेटा देखना होगा कि ये कहां पे कॉल की राइटिंग करते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए, ये जो बाइंग किया गया हमारे, ये आपको यहां पे राइटिंग किया गया वो क्लाइंट द्वारा किया गया, हमने डेटा में देख लिया। और यहां पे बाइंग किया गया है हमारे एफआईआई द्वारा, तो कल मार्केट में बुलिश लिस्ट रहना है। चलिए एक बार हम स्टॉक्स भी देख लेते हैं। और आज आप देखें तो एफआईआई ने लगभग 811 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, डीआई ने थोड़ा सा बाइंग किया है। तो ये अभी 2-3 दिन से क्या है, इनकी बाइंग रुकी हुई है, डेटा बेसिस में यही इंडिकेशन कब मिल रहा है। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो आपको निफ्टी में ट्रेड हमें लॉन्ग रहना 17,640 तक, जैसे मार्केट आता है अभी 6665 है, यहां से 20 पॉइंट नीचे तक हमें लॉन्ग रहना है इस लेवल तक, मार्केट अगर यहां पे भी ओपन होता है। और हमारा टारगेट आपको 720 का 830 के ऊपर रहेगा, टारगेट शॉर्ट होना है 600 के नीचे, टारगेट 520 का रहेगा, 440 का और 350 का। तो डेटा बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अगर ऊपर नहीं होगा तो आपको 700 या फिर आपको 720 और 830 तक जा सकता है, उसके वहां पे हम अपना पोजीशन पूरा क्लोज कर देंगे, क्योंकि वहां पे पूरा अच्छी खासी पुट कॉल की राइटिंग करेंगे। तो ये हमारा निफ्टी का रहेगा, आपको बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न दिख रहा है। आप यहाँ पूरे देखे VWM के ऊपर मार्केट रहा पूरा, लेकिन एक हमने 39,820 का एक जो रेजिस्टेंस चल रहा था, मार्केट इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट किया। तो हमें लॉन्ग होना है 860 के ऊपर, जो हम आपको प्राइस एक्शन में भी और डेटा में भी दिख रहा था। टारगेट हमारा 40,000 का 40,200 का रहेगा, शॉर्ट होना है 39,750 के नीचे
और आपको टारगेट 39,550 का 39,270 करेगा। इसके बीच में हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, यानी 860 और 750 के बीच बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसके बीच हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ओपनिंग अगर इसके ऊपर 860 के ऊपर होता है तो हमें लॉन्ग हो जाना है। तो ओवरऑल डेटा हमारा ऐसे ही वर्क करता है दोस्तों, इस पे आप ट्रेड करेंगे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होगा। चलिए एक स्टॉक्स देख लेते हैं हम, कौन से स्टॉक्स में हमें बाय और सेल करना है। तो आपके सामने जिस ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है, आप जो मनी फ्लो देख रहे हैं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ATFL है, कनकोर है और एक DAL, ये आपको स्टॉक आया है। अब हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन से इंट्राडे का स्टॉक्स है। ओवरऑल दोस्तों इसमें बहुत सारे लॉजिक लिखने के बाद यह स्टॉक सिलेक्ट होकर आता है। निफ्टी में जितने ट्रेड होते हैं इक्विटी में वो स्टॉक्स आपको फिल्टर हो जाते हैं, तो इसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। देखिए CL इंडिया है, ALKM है, आपको कोटक फर्मा है, हाथवे केवल है, धनुका है, यहाँ पे देख सकते हैं SMS फर्मा भी एक अच्छा खासा स्टॉक्स यहाँ निकल के आया। तो इस स्टॉक्स में आप ट्रेड करिए, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और डेटा एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन का प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपका दिन जरूर प्रॉफिटेबल होगा दोस्तों, अगर आप डेटा बेसिस पर बात करेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन करिए ताकि वहां पे आपको लेटेस्ट और लाइव अपडेट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हूं कि आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा दोस्तों। डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर कोई बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट न करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं की सलाह पर बाय सेल होल्ड करें। जय हिंद जय भारत।